रतलाम जिले के चावरा औद्योगिक पुलिस द्वारा भानु प्रताप निवासी भाटखेड़ी थाना कालूखेड़ा जो बुधवार को अपने निजी कार से पिपलोता से घर की ओर आ रहे थे, शाम करीब 6 बजे चावरा औद्योगिक पुलिस ने कार को रोका और पूछताछ की। वहीं फरियादी भानु प्रताप सिंह का कहना है कि पुलिस द्वारा मेरे साथ गाली गलौज मारपीट की गई और मेरी कार को पुलिस वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी और मुझे रोका। मैं किसी भी अपराध में लिप्त नहीं हूँ, तो मुझे जबरन गाली गलौज की गई और मेरे साथ मारपीट की गई। इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर सहित करनी सेना के पदाधिकारियों द्वारा थाने पर जाकर CSP को ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन में मांग की गई कि जिन पुलिसकर्मियों ने मारपीट की, गाली गलौज की, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। करनी सेना के जिम्मेदार पदाधिकारियों द्वारा, उसमें उनके द्वारा मांग की गई, कल रात्रि को एक शराब जब पकड़ने हमारी पुलिस गई थी, उस दौरान उनके साथ कोई अभद्र व्यवहार किया गया। इस संबंध में मैंने आवेदन दिया, उनको आश्वस्त किया है मैंने इस बात के लिए कि जो भी वैधानिक और परिप्रेक्ष्य कार्रवाई होगी सत्यता के करीब होकर उस पर हम कार्रवाई करेंगे। मैं कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई थी सिविल ड्रेस के अंदर थे। ये बात आई है उनके द्वारा, मुझे बताई गई है वाली बात, तो मैं इस पर मैं इसलिए उनको बताया मैंने कि आप हमें समय दीजिए, हम जैसा भी होगा बिल्कुल जो सही होगा वही करेंगे। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष भी उपस्थित है सर, सुनने हाँ, हाँ। उनका ही कहना है सर कि भाई गाड़ी जब आपने रोकी, चेक करी गाड़ी, सब कुछ हुआ, सब कुछ होने के बाद भी अभद्रता की गई, ये इसी बात की तो मैं इसी बात की जाँच कर रहा हूँ कि इसमें वास्तविकता क्या है। इसलिए सर उनकी मांग है या तो कार्रवाई करें या सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, तो सर इस पे क्या स्टैंड लेंगे? अब जो भी जिसकी गलती होगी तो मैं बोला कार्रवाई होगी।